अब 16 बार 16 पावर मान 16 ही होगी, 16 इंटू 3 हमारे पास क्या होगा 48। अब प्लस, अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि आपने a को 10 नहीं लिखना, हालांकि a तो 10 ही है, लेकिन यहां पे आपने a रिप्रेजेंट करना है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप करेंगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा, मान से ज्यादा चीजों से ज्यादा, तो वो गलत हो सकता है। कैसे मैं आपको बता देता हूं कि कैसे गलत, अगर मैं इसी नंबर को लिख देता 1 3 1 0, यानी कि a के अगर 10 लिख लिया, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 16 plus 3 into 16 plus 1 into 16 plus 0 into 16, तो ये जो ज्यादा ज्यादा नंबर आए हैं ये गलत हो जाएंगे हमारे पास। तो हमने यहाँ पे a ही रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसको a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक जगह वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे a ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय a वैल्यू लिख देते हैं 10। अब 16 की पावर 0, लास्ट मैंने आपको लेक्चर में प्रूफ भी करवाया हुआ कि एनी पावर 0 वेरिएबल या कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 के, तो 10 इज टू 1, तो ये 256 प्लस 48 प्लस 10 ऑन द 10 10 ऑन द 10। अब इन तीनों को मेरे कर लेना, ऐड कर लेना, तीनों को ऐड कर देना, तो इसके तीनों को अगर ऐड करेंगे 256 48 एंड 10, तो देखिए 8 और 6 14, 4 1 के 9 10 11 1 और 2 और 1 3 1 4 3 1 4, ठीक है, इनको ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 1 4। तो इस चीज से ऐड किए हमारे पास आंसर आया 3 1 4, बेस इसकी क्या आ रही है 10, क्योंकि डेसिमल में 3 1 4 बेस इसकी क्या आ रही है 10। तो ये हमने क्या किया है, हेक्सा डेसिमल से डेसिमल। अब एक आपके लिए और असाइनमेंट कह रहे हैं, कोई भी टास्क कह रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के तौर पर, कि इसी नंबर को आपने इस मेथड के थ्रू किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्सा डेसिमल में। वो आंसर आपका क्या आना चाहिए 1 3 8। तो आई होप आप लोगों को डेसिमल से हेक्सा डेसिमल एंड हेक्सा डेसिमल से डेसिमल की कन्वर्जन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बुक्स में जितनी भी एग्जांपल है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बाय रिटन आपको समझ आ जाएगी। उसके बावजूद आपको किसी भी कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम आती है एग्जांपल में या लेक्चर में, तो आप फीडबैक करके कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट